यहाँ हवा महल के सामने आर्टिस्ट बैठते थे, उनकी आर्ट देखता रहा। मैं इन पे बहुत गर्व करती हूँ कि मतलब मुंह पर ही होने के बाद भी काफी हिम्मत से काम करते हैं। जैसे लड़की के करना है तो बाल अलग अलग तरीके है, ऐसे पापा सिखाते हैं। दिल को छू लेने वाली इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। लगता है कि ये तस्वीरें कभी भी बोलने लगेंगी, लेकिन ये तस्वीरें बेजुबान हैं और बोल नहीं सकती। पर ये तस्वीरें कह क्या रही हैं, वो तो इन्हें देखने भर से मालूम हो जाता है। इन तस्वीरों में जान फूंकने वाले हैं जयपुर के अजय गर्ग। अजय बचपन में मामूली बीमारी के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो उन्हें लगाए गए एक इंजेक्शन का ऐसा रिएक्शन हुआ कि अजय न सिर्फ सामान्य लोगों की तरह बोल पा रहे हैं और न ही अब सुन पाते हैं। लेकिन अजय इससे निराश या हताश नहीं हुए और इस कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत में बदलते हुए ऐसे अद्भुत चित्र बनाए कि आज कई बड़े पुरस्कारों की सूची में उनका नाम दर्ज है। मेरा नाम अजय गर्ग, मैं कम सुना बोलता नहीं, मैं मेहनत करा, मैं बच्चे सुनता नहीं, उनकी काम लेता। महज 4 साल की उम्र में सुनने और बोलने में मुझे दिक्कत होने लगी थी। हमें सामान्य बनाने के लिए घर वालों की तमाम कोशिशें नाकाम रही। मैं देखता था कि पूरा परिवार मेरे भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहता था। घर वालों की ये परेशानी मुझे भी बेचैन कर देती थी। तभी से कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात बैठ गई कि इन सब कमजोरियों के बावजूद मैं कुछ ऐसा करूंगा कि परिवार वालों को मेरी कामयाबी पर गर्व हो। बस फिर क्या था, मैंने तरह तरह के चित्र बनाने शुरू किए। शुरुआत में मुझे धौलपुर घराने के कोट आर्टिस्ट सुआलाल का साथ मिला। उन्होंने मुझे अपने साथ रखकर प्रशिक्षण दिया। बाद में मैं जानी मानी आर्टिस्ट आशा देवी की संगत में आया और उन्होंने मुझे कला की बारीकियां सिखाई। 1980 के आसपास मैं जयपुर आ गया और यहाँ हवा महल के पास पूरे दिन साथी कलाकारों के साथ कला की साधना में जुटा रहता था। मेरी मेहनत का ही नतीजा है कि मुझे कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी मेरी कला को सराहा और मुझे राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। इंडिया अवार्ड मिला, अमेरिका लंदन आदमी बोला पेंटिंग बहुत अच्छा है। यूके, फ्रांस और पेरिस के कई शहरों में लोगों ने मुझे बुलाया, जहाँ मेरे ही चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशों में लगी प्रदर्शनी को वहां के लोगों ने काफी पसंद किया। सच तो ये है कि अब चित्रकारों की बात हो और अगर अजय की चर्चा न की जाए तो ये चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती। अब मैं चाहता हूं कि जो हुनर हमारे पास है उसे अपने जैसे और बच्चों तक पहुंचाया जाए। कला के क्षेत्र में मेरा नाम है, मेरी शोहरत है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैंने अपंग बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने का सिर्फ सपना ही नहीं देखा है, बल्कि इसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास भी कर रहा हूँ। अभी तो मेरे पास कम जगह है, इसी में कुछ बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। ये प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क है। मेरी इच्छा है कि अगर सरकार कोई बड़ी जगह दे तो इस कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन इस सेंटर में मूक बधिर बच्चों को ही लिया जाएगा, क्योंकि ये अपनी बात प्रभावी ढंग से कह नहीं पाते। ऐसे में भला इनकी बात सुनी कहा जाएगी। ना मन पक्का, बच्चों को पेंटिंग सिखाओ, बच्चों को चलाता उल्टा और बच्चों को मेहनत करो। आज ज्ञान साथ जयपुर अजय गर्ग।